नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोल्टू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गोल्टू न्यूज। इस वीडियो में आपको श्रीलंका के कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर जिसे टेंपल ऑफ टूथ रिलिक्स कहा जाता है उसके विषय में वीडियो दिखाऊंगा। श्री दलदा मलिगाव या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ये स्टैचू मधुमा भंडारा की है जो श्रीलंका के चाइल्ड हीरो थे। श्री दलादा मलिगावा और द टेम्पल ऑफ द सेसर टूथ रेलिक इज ए बुद्धिस्ट टेम्पल इन द सिटी ऑफ कैंडी श्रीलंका। इट इज लोकेटेड इन रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मर किंगडम ऑफ कैंडी विच हाउसेस द रेलिक ऑफ द टूथ ऑफ द बुद्धा। कैंडी की पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं जिनकी पूजा की जाती है। द मोस्ट रिलीजियसली सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर बुद्धिस्ट। कैंडी वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ द श्रीलंकन किंग्स एंड इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेनली ड्यू टू द टेम्पल। Bhikkhus of the two chapters of Malavate and Askiriya conduct daily worship in the inner chamber of the temple. Rituals are performed three times daily. On Wednesday, there is a symbolic bathing of the relic with a herbal preparation made from scented water and fragrant flowers called Nanomura Mangalaya. The holy water is believed to contain healing powers and is distributed among those present. We are at the main entrance of the temple. Now we are about to enter into the temple and we will look how it looks from inside. Temple of Tooth offers some sweet eastern architecture surroundings a religious relic. As the legend goes, the Buddha tooth was given to the Sri Lankan monarchy in ancient times and was passed around through various kings and holy men who ate, moved and relocated the tooth a number of times across the centuries. Now, tooth is housed in a dedicated temple where worshippers can visit the relic, which is held in a golden stupa inside the two-story shrine. Although parts of the shrine were destroyed and rebuilt over the years in various bombings and acts of war. This is the temple of the sacred tooth relic, Buddha's left hand and tooth relic. Upavartan Cannonball Garden, Pusinari, Nepal, 6th century, 540 BC, Vesak full moon 14 May. That time it didn't burn some इन सीढ़ियों से होकर श्रद्धालु और पर्यटक पहले माले पर स्थित मंदिर को देखने ऊपर जाते हैं। जी हाँ, अब हम मंदिर देखकर बाहर आ चुके हैं और इस भव्य मंदिर को देखकर यही लगता है कि ये
कैंडी किंगडम का एक हिस्सा ज़रूर रहा होगा या राजमहल ही रहा होगा। कुल मिलाकर यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, सुकून भरा था, शांति हर तरफ। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण मंदिर होना और इस मंदिर की भव्यता इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिनती कराती है। तो कुल मिलाकर कैंडी में देखने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, आप ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस मंदिर को आपने देखा, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर लिखेंगे। श्रीलंका आए तो देखें, और यदि नहीं आ पाए तो इस वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर करें।